नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह वीकेंड लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो सफर पे लेकर आपको चल रहा हूं वो है शाबानों से शबाना बानों तक का सफर। शाबानों 1985 में डिसाइड की जाती है। एक एडवोकेट रहते हैं जिन्होंने अपनी शादी से 43 साल बाद अपनी पत्नी को घर से निकाला और फिर उसके बाद उसको ट्रिपल तलाक दे दिया। वो महिला मेंटेनेंस के लिए इंदौर की कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और यहां पर काफी ऐतिहासिक फैसला दिया गया वाईवी चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के द्वारा। ये 5 सदस्यीय खंडपीठ की जजमेंट थी। इस जजमेंट के बाद पूरे देश में हो हल्ला मचता है। आरिफ मोहम्मद खान प्रेशर डालते हैं, वो मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने प्रेशर डाला राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऊपर और एक एक्ट पास किया गया जिसे राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 कहा गया। इसमें ये प्रयास किया गया लेजिस्लेचर की ओर से कि मुस्लिम मेल के ऊपर जो इद्दत के पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस का प्रेशर दिया जा रहा है उसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन काबिले तारीफ मैं मानता हूं डैनियल लतीफी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को। यहां आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जबरदस्त गोल्डन इंटरप्रिटेशन के फॉर्मूले को लगाया। बिना लेजिस्लेचर को कुछ कहे हुए जो वर्डिंग लेजिस्लेचर ने इस्तेमाल की एक्ट में उसको ही इंस्ट्रूमेंट बना दिया मुस्लिम वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, इतना बेहतरीन जजमेंट कि जिस एक्ट को बनाया गया इसलिए कि ये राइट्स कर्टल करेगा, उसी एक्ट को, उसी वर्डिंग को इंटरप्रिटेशन के कह लीजिए कि बिल्कुल डिप्लोमेसी, जुडिशियल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसी की वर्डिंग को, जो लेजिस्लेचर की वर्डिंग थी उसको ऐसा इंटरप्रेट किया कि वही वर्डिंग काम कर गई मुस्लिम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। इसके बाद 2007 में केस आएगी इकबाल बानो की, उत्तर प्रदेश की ये केस है। यहां पर विवाद उठेगा दोनों एक्ट के बीच में, सीआरपीसी 125 और मुस्लिम राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को लेकर। और सबसे बाद में शबाना बानो की केस आएगी, यहां भी फैक्ट एक जैसे होंगे। यहां जो डिस्कस किया जाएगा, जो मेन लॉ का इशू जो डिस्कस किया जाएगा वो ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत 1984 के अंतर्गत जो फैमिली कोर्ट्स बनाई गई हैं इनको क्या क्या ज्यूरिडिक्शन है, इनको क्या क्या पावर है, ये कहां तक मामलों का निपटारा कर सकती है। शाबानों से शबाना बानों तक आपको लेके चलूं, इसके पहले यह भी जरूरी है कि थोड़ी सी लाइट डाल दूं मुस्लिम लॉ के 3 पेक्यूलियर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पहला, जिसे डावर या मेहर कहते हैं। नंबर 2, तलाक का क्या स्ट्रक्चर है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। और नंबर 3, इद्दत की पीरियड किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इद्दत, इद्दत होती क्या है, किन मामलों में इद्दत 3 महीने की होगी, किन मामलों में इद्दत 4 महीने 10 दिन की हो जाएगी, कभी कभी 3 महीने की इद्दत चलते हुए नई इद्दत 4 महीने 10 दिन की स्टार्ट हो जाएगी, और इद्दत की जरूरत क्या है, आखिर यह कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया। शुरू करते हैं शाबानों से शबाना बानों तक का सफर। मैथिली शरण गुप्त ने 50 साल पहले एक कविता लिखी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अगर हम अपने देश की बात करें तो महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, उनके सेकेंडरी स्टेटस को देखते हुए यह कविता प्रासंगिक नजर आती है। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन यह कहें कि हमारा स्टेटस सेकेंडरी नहीं है वुमेन का सोसाइटी में, लेकिन मैं किताबों की दुनिया में बात नहीं कर रहा। जब भी आप यथार्थ के धरातल पर आकर, रियलिटी के धरातल पे आकर देखेंगे तो कास्ट चाहे जो हो, रिलीजन चाहे जो हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला क्यों ना हो, स्टेटस आज भी इन द प्रैक्टिकल आईज ऑफ लॉ, अगर आप सीधे सीधे आंखों में देखेंगे, प्रैक्टिकेबिलिटी से देखेंगे
तो आप ये विश्वास करेंगे कि आज भी स्टेटस सेकेंडरी ही है। कैसे? एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं। दो बच्चों का पहला जन्मदिन है, एक लड़के का जन्मदिन है एक साल का और एक लड़की का जन्मदिन है एक साल का। दोनों को मिलने वाले गिफ्ट देख लीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि सोसाइटी की नजर क्या है। लड़के को गिफ्ट में क्या मिलता है? लड़के को गिफ्ट में दिया जाता है फुटबॉल, क्रिकेट का बैट। हो सकता है उस क्रिकेट के बैट के वजन के नीचे ही वो दब जाए, क्योंकि एक साल का बच्चा क्रिकेट बैट से नहीं खेल सकेगा। लेकिन वहीं लड़की को एक साल के, जबकि दोनों बच्चों के बीच में एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, अगर सेक्स के डिफरेंशिएशन को हटा दें तो। तो अगर बच्ची को हम देखें कि क्या गिफ्ट दिया जाता है, तो बच्ची को गिफ्ट दिया जाता है खाना बनाने के सामान, खाना बनाने के बर्तन। क्यों? उसके दिमाग में एक बात रखनी होती है, डालनी होती है कि तुम आए ही हो खाना बनाने के लिए, तुम आए ही हो घर संभालने के लिए। ये बात अलग है कि आज महिलाएं चंद्रमा पर चली गई हैं, आज महिलाओं ने जिंदगी का ऐसा कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो हासिल नहीं किया है, लेकिन संघर्ष आज भी उतना ही है जितना आज से 50 साल पहले था। संघर्ष परिवार के लेवल पे भी है, संघर्ष बाहर के लेवल पर भी है। और सबसे बड़ा संघर्ष तब निकल के आता है जब वो जिसके साथ विवाह करती हैं, जिसके साथ निकाह करती हैं, जिसके लिए वो अपने पिता का घर छोड़ती हैं, वो उन्हें आधे रास्ते में अलविदा कह देता है, वो उन्हें अपने से किनारा कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो मेंटेनेंस की बात उठाती है, जब मेंटेनेंस की बात उठाई जाती है, तो बहुत सारे तर्क लेकर इस मेंटेनेंस के ग्राउंड को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम लॉ में अगर बात करें तो सबसे पहले निकाह के समय एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे डावर या मेहर कहते हैं। प्रॉफिट के आने के पहले उस सोसाइटी में दो तरह के शादियां चला करती थी। एक शादी में सीधे सीधे लड़की के फादर को, लड़की के पेरेंट्स को थोड़ा कंसिडरेशन दे करके लड़की के साथ कोहैबिटेशन को ले लिया जाता था, कोहैबिटेशन में उस गर्ल को ले लिया जाता था, जिसे बाल विवाह का नाम दिया गया। दूसरी ओर कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज डायरेक्टली जो है वो वुमेन को दे दिया जाता था, और उसके साथ कोहैबिटेशन की परमिशन ले ली जाती थी, जिसे सादिक विवाह या बिना विवाह कहते थे। और बिना विवाह में लड़की जो है वो सादिक मित्र कही जाती थी। लेकिन जब प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट ने सुधार किया, सुधार करके उन्होंने कहा, वो कॉन्सेप्ट लेके आए डावर या मेहर का। तो कॉन्सेप्ट निकल के आया मेहर का। मेहर का मतलब क्या? मेहर का मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ निकाह, टू शो योर ऑनर, टू शो योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द गर्ल, द अमाउंट विच इज फिक्स्ड टू डिलीवर द गर्ल बाय द साइड ऑफ द ब्राइड ग्रूम, दैट इज कॉल्ड मेहर। मेहर क्या है? विवाह के समय दिया जाने वाला एक कंसिडरेशन है। ध्यान रखिएगा, कंसिडरेशन वर्ड इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिडरेशन से नहीं है। यह मत समझने लगिएगा कि कंसिडरेशन पर्याप्त होना चाहिए, उसको लॉ की नजर में सही ठीक ठाक होना चाहिए, इस तरीके की चीजें यहां नहीं मानी जाएंगी। और यह कंसिडरेशन केवल कोहैबिटेशन के लिए नहीं है, यह कंसिडरेशन है उस लड़की के प्रति अपना सम्मान दिखाने का, एक तरीके से ये ऑनर रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया। अगर इसको हम देखें कि आखिर मेहर होगी कितनी, तो सुन्नी लॉ कहता है कि मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम 10 दिरहम होगी। 10 दिरहम को आज के दिन अगर देखें तो 3-4 रुपए के बराबर होगी। अगर शिया लॉ को देखें तो शिया लॉ मिनिमम की बात नहीं करता, मैक्सिमम 500 दिरहम की बात कर देता है। अब बात उठेगी कि आखिर मेहर क्यों यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जब आप शाबानो केस में आएंगे तो वहां ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके सामने नाचते नजर आएंगे, मेहर का, तलाक का और इद्दत का। पूरा विवाद इसी के किनारे घूमता हुआ दिखाई देगा। तो मेहर में अगर आप देखें तो मेहर वो अमाउंट है जो शादी के
लिए दी जाती है या शादी के अवसर पे ऑन द ओकेजन ऑफ निकाह दी जाती है। विवाद इस बात पे उठेगा कि मेहर क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज है और ए पेमेंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। तो सर अमीर अली को जब आप देखेंगे, अमीर अली को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि मेहर मे बी ऑफ टू टाइप, इट मे बी प्रॉम्प्ट, इट मे बी डिफर। मतलब क्या है देख लेते हैं। मेहर दो तरह का होता है, एक मेहर को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट और दूसरे को कहते हैं डिफर, डी डबल ई आर, डिफर। मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज द पोर्शन ऑफ मेहर, द पोर्शन ऑफ मेहर टू विच डिलीवरी इज बाउंड फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड दैट इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट मेहर। प्रॉम्प्ट मेहर किसे कहते हैं, मेहर का वो पार्ट जिसे मैरिज के कंज्यूम होने के पहले, कंज्यूमेशन के पहले मतलब फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के पहले पति के द्वारा दिया जाना जरूरी है, उसे हम प्रॉम्प्ट मेहर कहते हैं। दूसरी ओर एक पोर्शन जरूर डिफर मैरिज का आया, डिफर मैरिज किसे कहते हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अवसर पर। डिसोल्यूशन मैरिज कैसे होती है, दो तरह से होती है, या तो पार्टीज में से हस्बैंड अगर एक्सपायर कर जाए तब भी डिसोल्यूट हो जाएगी मैरिज, पार्टीज में से कोई भी अगर एक्सपायर कर जाए तो मैरिज डिसोल्यूट हो जाएगी, या पति ने तलाक दे दिया या पत्नी ने तलाक ले लिया, दोनों ही कंडीशन में उस अवस्था में मेहर का वो पोर्शन जो उस लड़की को मिलेगा उसे हम डिफर मेहर कहते हैं। विवाद यही शुरू होता है, यही विवाद का सेंट्रल पॉइंट है कि वेदर द मेहर इज टू बी कंसीडर एज ए कंसिडरेशन फॉर मैरिज और इट इज ए कंसिडरेशन ऑन द ओकेजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो अमीर अली सर ने इसको हमीरा बीवी जुबैदा बीवी के केस में प्रिवी काउंसिल ने, और अमीर अली ने इतनी खूबसूरती से इसको व्यक्त किया है कि एक लड़की जो अपने पिता का घर छोड़ करके फिजिकल मेंटल हर तरीके से आपके पास आपके लिए समर्पित होकर आती है, उसे सम्मान दिखाने के लिए जो अमाउंट आप डिलीवर करते हैं वही मेहर है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेहर का भुगतान कब किया जाता है, इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि व्हाट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मेहर, इट मे बी प्रॉम्प्ट, इट मे बी डिफर, लेकिन दोनों ही डिलीवरी के पॉइंट से कोई असर नहीं पड़ेगा उस मेहर की स्टेटस के ऊपर। वो हमेशा ये मानी जाएगी कि वो एक तरीके से कब दी जाती है, एट द टाइम ऑफ मैरिज है, वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर जिसको समझाना जरूरी है, वो है तलाक किसे कहते हैं या मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का क्या कॉन्सेप्ट। अगर मुस्लिम लॉ में आप डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को देखें, मैं पूरी तरह से बहुत डिटेल में ना तो मेहर में जा रहा हूं ना ही डिवोर्स में जा रहा हूं, उसका कारण कि जब मेहर और डिवोर्स डिस्कस करेंगे तब फुल फ्लेज उसका स्ट्रक्चर आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जानिए तो सही कि मुस्लिम पद्धति के अंदर, मुस्लिम आइडियोलॉजिकल में किस तरीके के, कितने तरीके के तलाक होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और ये विवाद कैसे जुड़ा इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर हम तलाक को देखें तो पहला तो तलाक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि तलाक गॉड भी करते हैं, गॉड भी तलाक करा देता है और पार्टीज भी तलाक करते हैं। अगर हम गॉड के तलाक की बात करें तो अगर डेथ करा दिया तो भी तलाक हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगा। पार्टीज की बात करें तो पार्टीज दो होती हैं, एक तरफ हस्बैंड होंगे दूसरी तरफ वाइफ होंगे। अगर हस्बैंड की बात करें तो इस्लामिक लॉ में बात कर रहा हूं, अगर इस्लामिक लॉ की बात करें तो हस्बैंड के साइड से मुख्यतः मेनली दो तरह के तलाक पाए जाते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड तलाकुल सुन्नत, अदर वन इज कॉल्ड तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत को हम तलाकुल बैन भी कहते हैं।
इसके बाद दो और तरीके के तलाक पाए जाते हैं, वन इज कॉल्ड इला, वन इज कॉल्ड जिहार। वाइफ वाले को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तलाकुल सुन्नत अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड तलाके अहसन, ध्यान दीजिएगा ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप फंसते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं तलाके हसन। अंतर क्या है? अंतर केवल ए के है, ए इधर जुड़ा है, ए इधर नहीं जुड़ा है। तलाके अहसन, तलाके हसन। अब आते हैं कि आखिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉफिट को जब आप पढ़ेंगे, अगर आप कलाम पाक को पढ़ें, अगर आप प्रॉफिट के आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो वहां ये बात आपको निकल के आएगी कि प्रॉफिट कभी भी डिवोर्स के फेवर में नहीं थे, और तलाक के पति के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही उन्होंने एक और राइट बनाया था जिसको कुफा का नियम कहते हैं, रूल ऑफ कुफा कहते हैं, जिसे आजकल की सोसाइटी में आप हलाला के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में यह नियम इसलिए लगाया गया था कि एक पति अपने पत्नी को डिवोर्स देने के पहले कम से कम 1000 बार सोच ले। आएंगे वहां भी, लेकिन पहले यह डिस्कस कर लेते। अब प्रॉफिट के सामने एक बात हुई, एक बात रखी गई कि अगर मान लीजिए दो लोगों का चल पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या करेंगे। तो प्रॉफिट का यह आदेश आया कि जब बिल्कुल ही रह गुजर हो नामुमकिन, तो रास्तों का जुदा हो जाना अच्छा। मतलब अगर दो लोगों का साथ चल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए तो ज्यादा बेटर है कि एक तरफ से कड़ाही एक तरफ से कुकर चले, इससे पहले आप दोनों लोग अलग अलग हो जाएं। और उन्होंने तलाक को अलाउ किया। अब तलाक कैसे? तो उन्होंने कहा कि तलाक दो तरीके की होगी, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। अब तलाकुल सुन्नत के दो पार्ट आए, एक को कहा गया तलाकुल हसन अहसन, और दूसरे को कहा गया तलाकुल हसन तलाके हसन। तलाके अहसन को प्रॉफिट ने बेस्ट डिवोर्स कहा है। यह बेस्ट डिवोर्स है। क्यों बेस्ट डिवोर्स है इसको भी समझिए। आखिर तलाके हसन को क्यों बेस्ट डिवोर्स कहा गया है? अब इसे आपको थोड़ा समझ लीजिए। तलाके अहसन क्या है? यहां पर हस्बैंड जो है वो प्रोनाउंस करता है, क्या क्या प्रोनाउंस करता है? आई डिवोर्स यू। पत्नी को कहता है मैंने आपको तलाक दिया, एक बार कहता है। तलाक जैसा गंदा शब्द एक बार बोला जाता है, और यहां पर थ्री मंथ का वेटिंग पीरियड है, एक तरह से कहिए 3 महीने का समय पति के पास है। वो चाहे तो अपनी कही बात से वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है, और उसकी मैरिज कंटिन्यू हो जाएगी। क्यों इसको बेस्ट तलाक कहा गया है? इसको बेस्ट तलाक इसलिए कहा गया क्योंकि यहां प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स जैसे गंदे शब्द को केवल एक बार प्रोनाउंस किया जाता है। जब लड़की अपने प्योर पीरियड में होती है, प्योर साइकिल में होती है, तब उस समय पति प्रोनाउंस करता है कि आई डिवोर्स यू, जैसे भी वो प्रोनाउंस करें, और उसके बाद 3 महीने का पीरियड होता है वेटिंग कि अगर पति 3 महीने के अंदर अपनी बात को वापस नहीं लेते तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर इसको हम तलाके अहसन को हम बेस्ट डिवोर्स कहते थे, इसको हम बेस्ट डिवोर्स के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर है तलाके हसन। तलाके हसन का मतलब है कि ये बेटर है, बेस्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बेटर है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 3 बार कहना पड़ेगा आई डिवोर्स यू। हां, लेकिन फिर भी इसे प्रॉफिट ने बेटर बताया है। क्यों? क्योंकि यहां भी एक वेटिंग पीरियड है। उस वेटिंग पीरियड के अंदर पति के पास यह मौका है कि वो अपनी शादी को बचा लें, अपने निकाह को सेव कर लें। क्या है वो? यहां है कि जब लड़की फर्स्ट प्योर पीरियड में होगी, जब फर्स्ट प्योर पीरियड में होगी तो आप पहला प्रोनाउंसमेंट करेंगे,
इसके बाद जब सेकंड प्योर पीरियड में होगी तो सेकंड प्रोनाउंसमेंट होगी, और जब थर्ड प्योर पीरियड में होगी तब जाकर तीसरी प्रोनाउंसमेंट होगी, और तीसरी प्रोनाउंसमेंट के बाद यह तलाक इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब यहां भी पति को मौका है, पहली प्रोनाउंसमेंट उन्होंने कर दी, दूसरी बार एमसी के बाद वो लड़की प्योर होती है उसके उसमें मानी जाती है, वहां पर वो दूसरी प्रोनाउंसमेंट करें, उसके पहले वो अपने इस कही गई बात को डिवोर्स को रिवोक कर सकते हैं। दूसरा भी उन्होंने कह दिया, फिर भी उनके पास एक मौका है कि वो एक महीने तक के अंदर जो थर्ड प्रोनाउंसमेंट करेंगे उसके पहले तक अपनी विवाह को, अपने निकाह को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जहां भी प्रॉफिट ने क्यों कहा ये बेस्ट है और ये बेटर है, क्योंकि इन दोनों तरह के तलाक में मौका मिलता है पति को अपनी कही बात को रिवोक करने का, अपने मैरिटल स्टेटस को, अपने मैरिटल उस होम को सेव करने का। तो इसे कहा गया बेस्ट, इसे कहा गया बेटर। दो और तरीके के तलाक का फॉर्म अवेलेबल है मुस्लिम हस्बैंड के लिए, वो है, उसे कहते हैं इला और जिहाद। क्या होती है इला? का मतलब है ओथ। कैसी ओथ? यहां मुस्लिम हस्बैंड अगर ओथ ले ले, क्या ओथ ले ले? आई विल नॉट कोहैबिटेट विथ यू, कोहैबिट विथ यू, और आई विल नॉट मेक एनी रिलेशन विथ यू। मैं आपके साथ किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, और अपनी इस बात पे 4 महीने तक कायम रह जाएं। 4 महीने का पीरियड यहां भी है कि जिसमें वो रिवोक कर सकते हैं। तो यहां शपथ लेकर जब वो ये कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं आपके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखता, मैं आपके साथ किसी तरीके से कोहैबिटेट नहीं करना चाहता, और इस बात पे अगर वो 4 महीने तक टिक जाते हैं, रिवोक नहीं करते हैं, तो ये भी एक डिवोर्स का तरीका है। और फिर तलाक का एक और तरीका है जिसे कहते हैं जिहाद। यहां हस्बैंड कंपेयर करता है वाइफ विथ प्रोहिबिटेड डिग्री वोमेन। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर पति अपनी पत्नी को कहे कि तुम मेरी मां लगती हो, मेरी बहन लगती हो, मेरी मासी लगती हो, तो अगर पत्नी को आप मां बहन बिटिया मासी के कैटेगरी में ले जा रहे हैं, तो इसको इस्लामिक जूरिस्ट ये मानते हैं, इस्लामिक लॉ के अंदर ये माना जाता है कि ये तलाक का एक तरीका है जिसे जिहार कहते हैं। और यहां पे पति कंपेयर करता है वाइफ को प्रोहिबिटेड डिग्री की वोमेन के साथ। प्रोहिबिटेड डिग्री मतलब वो डिग्रीज की वोमेन जिनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते। मुस्लिम लॉ में भी एक व्यक्ति अपनी मां के साथ निकाह नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति अपनी मासी के साथ निकाह नहीं कर सकता है। तो प्रोहिबिटेड डिग्री के वोमेन के साथ जब वो अपने पत्नी को कंपेयर करता है, तो इस्लामिक लॉ ये मानता है कि वो तलाक देना चाहते हैं, वो तलाक के लिए आगे चलते, और अपनी इस बात पर, अपनी इस बात को अगर वो 4 महीने के अंदर रिवोक नहीं करते, इसका वो पश्चाताप नहीं करते जो भी उन्होंने कहा, तो यहां ये भी डिवोर्स इफेक्टिव मान ली जाएगी। तो 4 तरीके सीधे सीधे आपके सामने रखे। पहला तरीका तलाकुल सुन्नत के 2 पार्ट आए, तलाके अहसन, और दूसरा आया तलाके हसन। अहसन में आप एक बार प्रोनाउंस करते हैं, 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, चूंकि वहां एक ही बार प्रोनाउंसमेंट है तलाक जैसे गंदे शब्द का, इसलिए उसे बेस्ट डिवोर्स फॉर्म कहा गया।
दूसरी ओर तलाके हसन की बात आई जिसमें इंटरवल्स में 3 बार प्रोनाउंस करना है, तीसरी प्रोनाउंसमेंट तक के पहले आपको रिवोक करने का चांस अवेलेबल है, आप वहां भी अपने मैराइटल स्टेटस को, मैराइटल होम को सेव कर सकते हैं। इसको कहा गया बेटर टाइप ऑफ डिवोर्स है। दूसरी ओर आई है इला की बात आई, इला का मतलब है मुस्लिम हस्बैंड शपथ लेगा कि मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, और अगर उस बात पे वो 4 महीने टिक जाते हैं, 4 महीने के अंदर वो अपनी चीजों को, अपने बातों से रिवोक नहीं करते, वहां भी ये डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। अब बात उठेगी जिहार की, जहां पर मुस्लिम हस्बैंड ये कंपेयर शुरू कर दें अपनी पत्नी का कि आप मासी की तरह हो, आप मेरी माँ लगती हो, आप फूफी की तरह दिखती हो, आप मेरी फूफी हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री के वोमेन के साथ जब कंपेयर शुरू हो जाएगा तो इसका एक और मीनिंग है कि पति डिवोर्स के लिए जाना चाहते हैं। और अगर 4 महीने तक वो अपनी बात से रिवोक नहीं करते, वो अपनी बात, जो ये गंदी बात है अपनी पत्नी को माँ बहन के रूप में देखना, ये भी एक उसके स्टेटस को एक तरीके से कहिए सब्जुडिकेट करना है, उसको डेरोगेट करना है, उसको उसके स्टेटस को गिराना है। तो यहां पर अगर वो 4 महीने के अंदर अपनी बातों का पश्चाताप नहीं करते, अपनी बातों के लिए उन्हें कोई सॉरी नहीं है, अपनी बातों के लिए रिग्रेट नहीं है, तो ये डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ एक और तलाक पाई जाती थी जिसे प्रॉफिट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। यह उमैयद किंग्स के समय ज्यादा प्रचलन में आ गई, ज्यादा यूज की जाने लगी, जिसे कहते हैं तलाकुल बिद्दत और तलाकुल बैन, या जिसे आप जनरल लैंग्वेज में ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। अभी तक जो तलाक मैंने आपके सामने डिस्कस की, ये सारी तलाक रिवोकेबल है, इसीलिए इसे बेटर बेस्ट कहा गया, क्योंकि यहां रिवोक करने का चांस अवेलेबल है। दूसरी ओर आ जाइए जिसे तलाकुल बिद्दत कहते हैं और इसे हम तलाकुल बैन भी कहते हैं। यहां प्रोनाउंसमेंट 3 बार होगी, एट वंस होगी, या मुस्लिम हस्बैंड ये कह सकता है मैंने आपको तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, या मैंने आपको ट्रिपल तलाक दिया। ये कहते ही ये डिवोर्स, इस तरीके की डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी। इसे प्रॉफिट के समय रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसे उमैयद किंग्स के समय ये ज्यादा यूजेस में आई, ज्यादा ये यूजेस के रूप में सामने आई। यहां रिवोकेशन का कोई चांस नहीं होता, इसलिए इसे तलाकुल बिद्दत कहते हैं। क्यों इसे तलाकुल बिद्दत कहते हैं? देखिए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े जब दिखाई देते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में जाएंगे तो हो सकता है कहीं दाल में नमक कम था, चाय में चीनी ज्यादा थी, वहीं से बात शुरू होती है, होते होते एक दूसरे के घर परिवार तक पहुंचती है, और इसके बाद दोनों के रास्ते लगभग जुदा जुदा होने लगते हैं। तो अगर रिवोकेशन का मौका आपने दिया है तो हो सकता है कि एक सडन हीट ऑफ टेम्पर में, एक सडन हीट ऑफ पैशन में जो बातें कह दी गई, हो सकता है दिमाग जब ठंडा हो जाए तो पति अपनी बात से वापस हो जाए और वापस होकर के अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की कोशिश करे। लेकिन यहां ऐसा कोई भी रिवोकेशन का चांस अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ही आपने कहा कि मैंने आपको तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, या मैंने आपको ट्रिपल तलाक दिया, वो तलाक इफेक्टिव मान ली जाती है और लड़की बाउंड हो जाएगी इद्दत के पीरियड को मानने के। अब आते हैं कि क्या लड़की के पास भी, क्या फीमेल के पास भी डिवोर्स का कोई ग्राउंड अवेलेबल है इस्लामिक लॉ में? तो वो है तलाकुल तफवीज कहते हैं उसे, उसे डेलीगेटेड तलाक भी कहते हैं। और तलाकुल तफवीज कहते हैं, समझिए, इस्लामिक लॉ के अंदर डिवोर्स देने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो मुस्लिम मेल के पास है, वो फीमेल के पास नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम मेल ने अपनी इस कैपेसिटी, अपने इस पावर को डेलीगेट किया हो, डेलीगेट कर दिया हो अपनी वाइफ के लिए, और किस तरह से, अगर मान लीजिए
मैरिज के समय पति जो है वो अपने पत्नी को कहता है कि अगर मैंने किसी और से मैरिज की, किसी और से निकाह मैंने किया, किसी और को मैं पत्नी के रूप में घर लेके आया, तो आप मुझे तलाक दे सकती हैं। तो ये क्या हुआ, पति ने अपने पावर को डेलीगेट किया। तो जब डेलीगेशन की बात आएगी, डेलीगेशन पति की ओर से किया गया है, तब उस कैपेसिटी का, उस पावर का इस्तेमाल मुस्लिम वोमेन कर सकती है, और इस तरह के तलाक को हम डेलीगेटेड तलाक या तलाकुल तफवीज कहते हैं। यहां भी इद्दत को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद 1939 में मुस्लिम मैरिज डिजोल्यूशन एक्ट होता है, जिसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए, वहां पर भी मुस्लिम वोमेन डिवोर्स के लिए जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा डिवोर्स का, तलाक का, कि किस तरीके से तलाक होते हैं जब हम इस्लामिक लॉ को देखते हैं। अब आते हैं, अब बात उठेगी कि आखिर इद्दत किसे कहते हैं, इद्दत को हम क्या समझते हैं और इद्दत कहते किसे हैं। इस्लामिक लॉ में तलाक हो जाने के बाद महिला को, मुस्लिम महिला को एक निश्चित टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड तक वो अपने आप को अलग करती है, वो दूसरा दोबारा री मैरिज नहीं कर सकती हैं। एक कह लीजिए कि उनके ऊपर एक पीरियड लगाया गया है, स्टेट्यूटरी एक तरीके से कस्टमरी टाइम पीरियड उनको बताया गया, जितने के अंदर वो किसी और मेल के संपर्क में नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए वो अपने पति के साथ जो पहले थी, जो रिलेशनशिप थी, अगर उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस बच्चे का फादर कौन है, उसके लेजिटिमेसी के लिए, उसके पेरेंटेज को फिक्स करने के लिए एक ये टाइम पीरियड लगाया गया है स्टेट्यूटरी तरीके से, या कह लीजिए स्टेट्यूटरी तो नहीं कहेंगे, आप इसे कह सकते हैं कस्टमरी तरीके से। अब बात उठेगी कि क्या इद्दत को लेकर कुछ रूल है? तो जी हाँ, इद्दत को लेकर कुछ रूल्स हैं कि आखिर किस मामले में इद्दत कितनी होगी। देखते हैं, एक एक करके देखते चले जाते हैं कि आखिर इद्दत के मामले में रूल्स क्या है। पहली शर्त कहती है कि इफ मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड अगर मैरिज कंज्यूम हुई है तो वहां पर इद्दत कितने दिन की होगी? 3 मंथ की होगी। कंज्यूमेटेड का मतलब अगर पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन बने। दूसरी ओर कहता है कि अगर डिवोर्स बिफोर कंज्यूमेशन है, अगर फिजिकल रिलेशन बने इसके पहले ही डिवोर्स दे दिया गया है, अब यहां पर कोई जरूरत नहीं है इद्दत को फॉलो करने की। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। नंबर थर्ड कहते हैं कि अगर डिवोर्स डेथ ऑफ हस्बैंड के कारण हुई है, यहां पर इद्दत कितनी होगी? यहां पर इद्दत 4 मंथ 10 डेज की होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर पति ने तलाक दिया है तो वहां पर 3 महीने की होगी, अगर पति एक्सपायर कर गए हैं वहां पे 4 महीने 10 दिन की होगी। इसके बाद कहते हैं कि अगर जिस समय डिवोर्स दिया गया उस समय वाइफ प्रेग्नेंट है, अब इद्दत कितने दिन की होगी? तो कहते हैं कि अप टू डिलीवरी ऑब्लिक अप टू एबॉर्शन जो पहले होगा वहां तक जाएगी, डिलीवरी तक की होगी, या अगर एबॉर्ट कर जाता है चाइल्ड तो एबॉर्शन के टाइम तक होगी। अब इसके बाद एक और चीज निकल के आती है कि अगर एक और पॉइंट यहां देख लीजिए जिसपे कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये क्या है? कहता है कि हस्बैंड ने डिवोर्स दिया, डिवोर्स देने के बाद आप जानते हैं 3 महीने का इद्दत होगा, ये 3 महीने का इद्दत कंटिन्यू चल रहा था, इसके बीच में वो हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है। कौन सा? अब चूंकि उसने डिवोर्स दे दिया है तो एक्स है, एक्स हस्बैंड क्या कर जाते हैं? एक्सपायर कर जाते हैं। अब क्या होगा? अब यहां पर याद रखिएगा, न्यू इद्दत ऑफ 4 मंथ 10 डेज विल स्टार्ट।
चार महीने 10 दिन का नया इद्दत शुरू हो जाएगा। किस दिन से? जिस दिन वो पहले का पति एक्सपायर किया, उस दिन से ये नया इद्दत शुरू हो जाएगा। इतनी बातें रही इद्दत के बारे में। अब प्रॉफिट ने एक नियम बनाया डिवोर्स को चेक करने के लिए, डिवोर्स को रोकने के लिए, और उस नियम को कहते हैं रूल ऑफ कुफा। रूल ऑफ कुफा किसे कहते हैं ये समझिए। जैसे आजकल सोसाइटी में उसका एक विकृत स्वरूप हलाला के रूप में देखा जा रहा है। कुफा क्या है, इसे एक एग्जांपल के सामने, एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं। कुफा, ए ने बी के साथ मैरिज की, ए पति बी पत्नी के रूप में आए। ए ने क्या किया, डिवोर्स दे दिया। बी पहले क्या करेगी, 3 मंथ इद्दत बिताएगी। रूल ऑफ कुफा कहने का मतलब है अगर पति ने अपनी पत्नी को जो तलाक दिया है, तलाक देने के बाद रिवोकेशन का पीरियड बीत गया, उसके बाद पति की इच्छा होती है कि मैं अपने वाइफ से, पुरानी वाइफ से फिर से शादी करूं, सच्चाई का पता उनको लग गया कि जो साथ दे रही थी वो ठीक ठाक थी, वो बेहतर थी, उसके साथ जिंदगी सही जा रही थी, लेकिन भाई साहब को तो आदत थी, तो इन्होंने अटेम्प्ट किया, फेल कर गए। अब ये चाहते हैं कि अपनी पुरानी पत्नी से ही फिर से निकाह कर लें। तो इनके इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगाया गया है कि तलाक देने के पहले ये 10,000 बार सोच लें क्या होगा। उसी को रूल ऑफ कुफा कहते हैं कि इद्दत, बी ने इद्दत का पीरियड बिताया, अब बी को सी के साथ मैरिज करनी होगी, निकाह करना पड़ेगा। निकाह को कंज्यूम करना पड़ेगा, मींस फिजिकल रिलेशनशिप के साथ बनेंगे। अब इसके बाद सी वॉलंटरली तरीके से डिवोर्स दे, इसकी मर्जी से ये डिवोर्स दे। ध्यान दीजिएगा, कोई कोएर्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि ए ने अपने मित्र सी को कहा कि तुम मेरी एक्स वाइफ से शादी कर लो और शादी करके 2 दिन बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना और फिर वो इद्दत में अपना पालन करेगी, फिर मैं उससे शादी कर दूंगा। ऐसा नहीं है। सी को मैरिज कंज्यूम करनी होगी बी के साथ। अब सी ने जब मैरिज कंज्यूम कर ली बी के साथ, अब वो भले ही एका मित्र हो, अब वो कहता है कि नहीं भाई साहब, क्यों डिवोर्स दें, आज देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे। तो जब तक वो वॉलंटरली डिवोर्स नहीं देगा, ये अगर वॉलंटरली डिवोर्स देंगे, फिर से लड़की को इद्दत फॉलो करनी पड़ेगी 3 मंथ की, और इसके बाद कहीं जाकर रीमैरिज का चांस, रीमैरी विद ए हो सकता है। समझ लो, इतनी टफनेस लगाई गई सिर्फ इसलिए कि पति को यह पता हो कि अगर कल उन्हें अपनी गलती पे पछतावा हुआ तो परिणाम भयावह होने वाले हैं। एक, आपकी जगह कोई और आएगा, वो फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, इसके बाद वो वॉलंटरली डिवोर्स देना होगा। वॉलंटरली डिवोर्स जब देगा फिर इद्दत निभाई जाएगी, फिर उसके बाद आप रीमैरिज कर सकते हैं अपनी पहली के पत्नी के साथ। तो ये नियम इसीलिए कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा के रखिए और तलाक देने के पहले 10,000 बार सोचिए। अब आते हैं मुकदमे के ऊपर जो कि शाह बानो का है, कि आखिर शाह बानो केस में चीजें चली कैसे और शाह बानो केस में ऐसे डिस्प्यूट्स क्या है। शाह बानो केस का फुल फैक्ट था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का। इस केस का जजमेंट आया 23 अप्रैल 1985 को। यहां पे 5 जजेस बैठे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही, और जजेस के रूप में रहे वाईवी चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस के रूप में, इसके बाद रंगनाथ मिश्रा जी रहे,
रंगनाथ मिश्रा रहे, डीए देसाई सर रहे, जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी रहे, और इसके साथ ई एस वेंकट रमैया ये पांच सदस्यीय खंडपीठ रही शाहबानो के केस में। शाहबानो में अहमद शाह, अहमद मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो का निकाह होता है 1932 में। मोहम्मद अहमद खान एंड शाहबानो की जो मैरिज होती है ये 1932 में होती है। 1975 में हस्बैंड ड्रोव आउट वाइफ विथ थ्री सन प्लस टू डॉटर्स। ध्यान दीजिएगा, निकाह से 43 साल बाद, 2 साल 4 साल 5 साल विवाह ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन 43 साल बाद पति ने पत्नी को घर से बाहर किया और उसके साथ 3 बेटे और 2 बेटियां भी रहीं। 43 साल बाद पत्नी, जो कि अपने उम्र के ढलान पर रही होगी, उसको उन्होंने घर से बाहर किया 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ। 1978 में मोहम्मद अहमद खान ने इररिवोकेबल डिवोर्स दिया। इररिवोकेबल डिवोर्स का मतलब ट्रिपल तलाक दे दिया। अब आप समझ रहे हैं कि इररिवोकेबल डिवोर्स किसे कहते हैं, जिसमें रिवोकेशन का चांस अवेलेबल नहीं। पत्नी ने लोअर कोर्ट में केस फाइल की मेंटेनेंस के लिए कि मेंटेनेंस दिलाया जाए। निचली कोर्ट में भी पति ने चैलेंज किया कि मैंने इद्दत के पीरियड तक के लिए, इद्दत के पीरियड जो इनका डिफर मेहर था 3,000 रुपए का, वो मैं दे चुका हूं। इसके बाद मैंने इन्हें 2 साल तक 200 रुपए महीने के हिसाब से मेंटेन कर दिया है। अब इस्लामिक लॉ के अंतर्गत इद्दत के पीरियड के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इन्हें हर महीने मेंटेनेंस की एक अमाउंट दूं। पति जो कि एक एडवोकेट के रूप में रहे, इनकी अगर एनुअल इनकम उस समय देखेंगे तो एनुअल इनकम 60,000 रुपीज पर एनम थी, 5,000 रुपए महीने की थी। फिर भी इन्होंने डिनाई किया, फिर भी ये नहीं देना चाहे। कोर्ट ने इन्हें, निचली कोर्ट ने ऑर्डर किया 25 रुपए महीने का मेंटेनेंस फेवर किया गया शाहबानो के केस में। इस ऑर्डर के खिलाफ ये रिवीजन में जाते हैं एमपी हाई कोर्ट में, जहां इस अमाउंट को 179 रुपीज 20 पैसा कर दिया जाता है। अब आप खुद समझिए, पत्नी 3 बेटे और 2 बेटी के साथ घर से आउट होती हैं और मेंटेनेंस राशि निचली कोर्ट ने 25 रुपए महीने की थी और हाई कोर्ट ने 179 रुपीज 20 पैसे के रूप में निर्धारित की, मतलब 6 रुपए पर डे से भी कम। इसके बाद भी एसएलपी लेकर ये साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वाईवी चंद्रचूड़, देसाई, रंगनाथ मिश्रा जी, चिन्नप्पा रेड्डी और उसके बाद ईएस वेंकट रामैया के खंडपीठ में ये मामला आता है। इसके साथ ही एक तरफ ये मामला पहुंचता है, इसके साथ ही 2 और केसेस पहले से चल रही थी। वो केसेस क्या थी? केसेस थी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन की। बाई ताहिरा के मुकदमे में जस्टिस कृष्णय्यर बैठे थे 2 और अपने साथी जजेस के साथ। इसके साथ ही एक और मुकदमा था फजलंबी का, जो मुकदमा लड़ा गया था के खादर अली के साथ। यहां भी जस्टिस कृष्णय्यर बैठे थे और जस्टिस कृष्णय्यर ने वहां पर यह डिसीजन दे रखा था कि मेहर जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज का, मैरिज पे मिलने वाला सम्मान प्रदर्शित करने वाली अमाउंट है, उसे डिवोर्स के समय की अमाउंट नहीं मानी जा सकती। इसके खिलाफ एक अपील चल रही थी जिसमें 2 अलग से जजेस थे। 2 अलग से जजेस में फजल अली और मुर्तजा फजल अली और ए वरदराजन ने
ये बात रखी थी कि इस दोनों जजमेंट्स को रिकंसीडर किया जाना चाहिए। तो शाहबानो केस में रिकंसीडर भी किया गया, रिकंसीडर का भी मौका मिला बाई ताहिरा के केस को और फजलअली को केस को। अब शाहबानो केस में जो मुख्य विवाद उठे, जो मुख्य पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे, वो क्या थे, एक एक करके वो देखते चले जाते हैं। पहली जो डिस्कशन आई वो सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 488 वर्सेस सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 125 को लेकर। ये क्या है, पहले देखते हैं कि आखिर सीआरपीसी 1973 का 125 कहता क्या है। तो जब हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 1973 को देखते हैं तो ये कहता है कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशियंट मींस निग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may upon proof of such neglect or refuse order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife at such monthly rate not exceeding 500 rupees in the whole as such magistrate think fit। Explanation में यहां wife शब्द को जोड़ा गया। Wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband has not remarried। यहां समझिए, यहां पर जब आप ओल्ड सीआरपीसी के सेक्शन 488 को देखें, 1898 के सेक्शन 488 को देखते थे, तो यहां मेंटेनेंस के लिए इट वॉज नेसेसरी दैट वाइफ मस्ट कंटिन्यू मैरिटल स्टेटस। 488 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए यह जरूरी हुआ करता था कि पत्नी का मैरिटल स्टेटस, मैरिज वाला स्टेटस कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब अगर पति ने कहीं इररिवोकेबल डिवोर्स दे दिया या डिवोर्स की डिग्री ले ली तो अब वो एक्स वाइफ हो गई, अब उसका मैरिटल स्टेटस कंटिन्यू ही नहीं हो रहा था जिसके कारण अब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती थी। इसको लेकर के दिक्कतें थी। ज्वाइंट कमेटी ने रिकमेंड किया कि यहां पर डिवोर्स्ड वाइफ को भी शामिल होना चाहिए वाइफ शब्द की डिफिनीशन। इसलिए जब सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 125 बना तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन ऐड की गई और एक्सप्लेनेशन ऐड करके ये कहा गया कि वाइफ शब्द के अंतर्गत वो महिला आएगी जिसको पति ने डिवोर्स दे दिया है या जिसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। ये दोनों, पति ने डिवोर्स दिया या उसने पति से डिवोर्स लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने डिवोर्स दिया और लिया, लेकिन वो महिला भी वाइफ शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। अब अहमद, मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो के केस में पहला जो प्ली लिया गया वो यही लिया गया कि सीआरपीसी 125 जो है वो लागू नहीं होंगे इस केस में क्योंकि यहां पक्षकार मुस्लिम। लेकिन 1898 के एक्ट को भी अगर देखें तो वहां भी कोर्ट्स ने ये बिल्कुल फाइनलाइज कर रखा था। 488 सेक्शन में भी फाइनलाइज था कि ये सीआरपीसी सेक्शन 1898 का सारे पक्षकारों पे लागू होगा, इस बात को बिना ध्यान रखे हुए कि स्पाउसेस हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं। मतलब ये सेकुलर नेचर का एक एक्ट है और इसका उपयोग क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी महिला को, एक ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, उनको मेंटेनेंस दिलाने के लिए उस आदमी को बाउंड करना जो उन्हें मेंटेन कर सकता है। जब यह बात 1973 के सेक्शन 125 में भी यही ग्राउंड उठाया गया, इस ग्राउंड के साथ ही एक और ग्राउंड उठाया गया सेक्शन नंबर 1273B को लेकर। वो क्या है, सेक्शन 1273B को पहले समझिए।
सेक्शन 127 3B क्या कहता है? 3B कहता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कस्टमरी लॉ में, अगर कस्टमरी लॉ में कोई पेमेंट डिवोर्स के समय होनी है महिला को और पति ने वो पेमेंट कर दी है। तो मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मैंने इन्हें जो इनका डिफर मेहर था 3,000 रुपए का, वो मैंने बहुत पहले पे कर दिया। 2 साल तक मैंने इनको और भी मेंटेनेंस दे दिया 200 रुपए महीने का, तो इनका इद्दत का भी जो पीरियड था उसके बाद तक मैं मेंटेन कर चुका हूं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत के पीरियड के बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। और दूसरा, जो मेहर है उसे उसे यह मानना जाना चाहिए कि यह एट द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दिया जाने वाला कस्टमरी रूप से पेमेंट है। अगर बाई ताहिरा के केस को देखेंगे, फजलंबी के केस को देखेंगे, तो जस्टिस कृष्णैया ने वहां पर 127(3)(b) में मान लिया था कि जो पेमेंट डिफर मैरिज है वो यहां पर कस्टमरी पेमेंट के रूप में मान ली जाएगी। लेकिन जब वाईवी चंद्रचूड़ सर आते हैं और शाहबानो के केस में, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेहर को पहले समझिए, मेहर है क्या? मेहर है एक स्त्री जो है, एक लड़की जो है अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करती है और आप उसे विवाह के समय सम्मान देने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए एक पेमेंट देते हैं। तो इसको आप डिसोल्यूशन के समय दिया जाने वाला पेमेंट कैसे मान सकते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब इस स्टेटस का खत्म होना है, एक सॉरोफुल इवेंट है ये। इसको आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये पेमेंट एट द मोमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दी जाती है? पहला तो उन्होंने ये डिनाई कर दिया, और जब उन्होंने ये डिनाई कर दिया तो इसका मतलब ये कि उन्होंने सेक्शन 127(3)(b) में जो कस्टमरी पेमेंट किया जाने वाला, किया जाना है डिवोर्स के समय, उसको भी मानने से इनकार कर दिया। यहां कुछ तर्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रखे कि कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए इद्दत के पीरियड के बाद कि वो स्त्री अपने को मेंटेन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, यह सब देखना कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन यहां पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस प्ली को भी डिसमिस किया और कहा कि देखिए, कोर्ट्स हो या लेजिस्लेचर, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट ही नहीं, जो भी इस स्टेट की टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी कोर्ट्स की भी बनती है, लेजिस्लेचर की भी बनती है। तो यहां पर यह डिसीजन दिया गया। फाइनली डिसीजन क्या आया? फाइनली ये डिसाइड किया इस 5 सदस्यीय खंडपीठ ने कि इफ द मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन हैव सफिशियंट मींस, हैव सफिशियंट मींस टू मेंटेन हरसेल्फ, देन द हस्बैंड विल नॉट बाउंड टू मेंटेन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर वो मुस्लिम तलाकशुदा महिला खुद को मेंटेन करने में सक्षम है तब उसे जो है इद्दत की पीरियड के बाद मेंटेन करने के लिए पति लायबल नहीं होंगे। लेकिन बट इफ सच मुस्लिम वोमेन इज नॉट इन कंडीशन टू मेंटेन हर सेल्फ, देन हस्बैंड विल बाउंड टू मेंटेन हिज एक्स वाइफ। ऐसी तलाकशुदा महिला जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, ऐसी तलाकशुदा महिला को मेंटेन करने की जिम्मेवारी पति की रहेगी, वो सीआरपीसी 125 के अंतर्गत क्लेम कर सकती है। इस जजमेंट के खिलाफ काफी हो हल्ला मचा। हो हल्ला ऐसा मचा, शुरुआत में राजीव गांधी ने सपोर्ट किया जजमेंट को, शुरुआत में सपोर्ट किया राजीव गांधी जी ने जजमेंट को कि यह जजमेंट एक वेलकम स्टेप है मुस्लिम औरतों के स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में उन एरियाज में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां से कांग्रेस हार जाती है। अब एक प्रेशर खड़ा होता है राजीव गांधी जी के ऊपर कि वो एक ऐसा एक्ट बनाए जिससे शाहबानो केस का दिया गया जजमेंट ओवर रूल किया जा सके। इस प्रेशर को बनाने का मुख्यतः काम जो किया, वो मुख्यतः काम किया आरिफ मोहम्मद खान ने। उस समय वो मिनिस्टर थे और वो एक बिल लेकर आए जिसे पास कराया गया और इसका नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसे हम यहां 1986 के एक्ट के रूप में देख रहे हैं।
यहां कहा क्या गया, अगर आप इसके सेक्शन 3-4 को देखें, सेक्शन 3 को देखिए, सेक्शन 4 को देखिए, 1986 एक्ट को एक बार इसका सेक्शन 3 और 4, तो आप ऐसा समझेंगे इस एक्ट में ये प्रोविजन किए गए कि पति की लायबिलिटी जो होगी वो इद्दत के पीरियड तक मेंटेन करने की होगी, और अगर बच्चा है, बेबी है, तो ये पीरियड 2 साल तक का हो जाएगा। पति ये भी बाउंड होगा कि शादी के समय या शादी के बाद जो भी गिफ्ट आदि दिए गए पत्नी को, पति के साइड से, पति के रिलेटिव्स के साइड से, या उसके साइड से, उसके रिलेटिव्स के साइड से, वो सारा का सारा, वो सारा सामान पत्नी को वापस किया जाएगा। इसके साथ ही एक और सेक्शन 3 में बात रखी गई, वो है कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विथ इन इद्दत पीरियड बाई हर फॉर्मर हस्बैंड। कहने का मतलब कि यहां पर सेक्शन 3A में एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन बनाने की बात की गई मेंटेन करने के लिए पत्नी, एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, क्यों, किस लिए, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस। इद्दत की पीरियड के अंदर, इद्दत की पीरियड के बाद क्या किया गया, इद्दत की पीरियड के बाद यहां कहा गया कि अगर इद्दत बीत गई है और पत्नी खुद को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, तो अब यह जिम्मेवारी उनके रिलेटिव्स को हो जाएगी। अब रिलेटिव्स कौन, जिनको पत्नी की मौत पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता था, यह उनकी जिम्मेवारी बनेगी। आगे सेक्शन में कहा गया कि पहले यह जिम्मेवारी बच्चों की होगी, अगर बच्चे कैपेबल नहीं है तो लड़की के पेरेंट्स को होगी, अगर वो भी कैपेबल नहीं है तो दूसरे रिलेटिव्स को होगी, अगर वो भी कैपेबल नहीं है तो फाइनली वक्फ बोर्ड की होगी। अब डिवोर्स हो गया, अब उसके बाद अगर पत्नी कैपेबल नहीं है तो कौन से रिश्तेदार आते हैं मेंटेन करने के लिए डिवोर्स वुमेन को, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और कहां वक्फ बोर्ड आएगा मेंटेन करने के लिए, यह भी एक तरह से हाथों में चांद लेने जैसा था। इसके खिलाफ मुकदमा आता है डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। डैनियल लतीफी की केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर के इस फ्यूटाइल अटेम्प्ट को एक फर्टाइल लैंड के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में खड़ा कर दिया। कैसे, आइए देखते हैं। मुकदमा आता है डैनियल लतीफी, पहला क्वेश्चन तो यही कि आखिर डैनियल लतीफी थे कौन। ये शाबानो केस में शाबानो साइड के एडवोकेट थे, मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट थे, और इन्होंने 1986 के इस एक्ट को आर्टिकल नंबर 14, 15 और 21 के ग्राउंड पर चैलेंज किया कि यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट आती है 28 सितंबर 2001 को। यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है। यहां बैठे थे जीबी पटनायक, इसके साथ थे एस राजेंद्र बाबू, साथ में डीपी महापात्रा, साथ में थे डी ओराई स्वामी, दोराई स्वामी राजू, और साथ में थे शिवराज वी पाटिल। 5 सदस्यीय खंडपीठ थी, और यहां एक तरफ डैनियल लतीफी के केस में इस 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह मानने से इनकार कर दिया कि 1986 का लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्होंने कहा यह आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन नहीं करता, लेकिन गजब का गोल्डन इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3A को
जिसमें ये बात उठी थी कि एक फेयर और रीजनेबल प्रोविजन बनाया जाएगा मेंटेनेंस के लिए और मेंटेन करेगा फार्मर हस्बैंड इन द पीरियड ऑफ इद्दत। इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि लेजिस्लेचर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाएगा। इसका मतलब अगर लेजिस्लेचर ने सेक्शन 125 के एम्बिट को, सेक्शन 125 जो राइट्स देता है वाइफ को मेंटेन करने का, अगर उस सब्जेक्ट मैटर पर एक दूसरा लॉ बनाया है तो निश्चित है कि दूसरा लॉ पहले लॉ के डायमेंशन को और बड़ा करने वाला होगा, बड़ा करके बनाया होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर तो सीधे सीधे जिम्मेवारी लेते हैं अपनी पॉपुलेशन के वेलफेयर का, और हम सरकार के इस गुड इंटेंशन को हमेशा पॉजिटिव देखेंगे। और उन्होंने सेक्शन 3A को, जरा ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट को एक वीपन के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्टैब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा ध्यान से सेक्शन 3A को पढ़िए। सेक्शन 3A में यह बात निकल के आई है कि ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन किस बात को लेके, ये क्यों बनेगा, ये एंड मेंटेनेंस, समझिए। यहां सुप्रीम कोर्ट कहती है, ध्यान से देखिए, फिर आगे लिखते हैं, टू बी मेड एंड पेड टू हर, हर मतलब वाइफ को, विथ इन इद्दत पीरियड, कितने पीरियड के अंदर, इद्दत पीरियड के अंदर, उस 3 महीने के पीरियड के अंदर। आप समझिए क्या क्या होगा, मेड होगा प्लस पेमेंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा ध्यान से पढ़िए इसे, हम इसे ऐसे पढ़ रहे हैं कि पति की जिम्मेवारी जो है वो इद्दत पीरियड के अंदर मेंटेन करने की भी होगी, साथ में एक रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाया जाएगा, एक रीजनेबल और फेयर प्लान बनेगा कि, और इसका पेमेंट इद्दत के अंदर पति करेगा। तो जब आप जेआरएफ का कॉन्सेप्ट ले आएंगे, जब किसी भी जगह आप जस्ट फेयर और रीजनेबिलिटी ले आएंगे, तो निश्चित है कि वहां जो मेंटेनेंस आएगी वो सिर्फ इद्दत के लिए तो होगी नहीं। जब आप रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाएंगे तो उस महिला की पूरी जिंदगी को देखकर बनाएंगे, उसके पास कितने ऐसे साधन अवेलेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, आप इसको भी ध्यान में देंगे। आप ये भी देखेंगे कि उसकी उम्र क्या है, आप ये भी देखेंगे कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपने पति के साथ किस लिविंग स्टैंडर्ड को जी रही थी, जिससे आपने, जिसने, जिसके कारण वो, जिससे वो हटी है तलाक के कारण। इन सारे चीजों को देख करके यहां लेजिस्लेचर ये कहना चाहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या खूबसूरती से इंटरप्रेट कर रही है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर ये चाहते हैं कि इन सारी बातों को देखते हुए, उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए, उसके सोशल स्टेटस को देखते हुए, उसके परिवार के स्टेटस को देखते हुए, पति के साथ वो कौन सी जिंदगी, किस स्टैंडर्ड की जी रही थी, इसको देखते हुए एक रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाया जाएगा और इसे पेमेंट इद्दत की पीरियड में ही कर दिया जाएगा। अब देखिए, साथ में जो सामान उसको शादी के समय गिफ्ट विफ्ट मिले वो दिए जाएंगे, साथ में ही इसके जो और उसका डिफर मेहर है वो भी उसको दे दिया जाएगा। और अगर पति ये देने में डिनाई करते हैं तो यहां पर सेक्शन 4 के अंदर मजिस्ट्रेट जो है, जब तक ये पेमेंट नहीं होती वहां पर फाइन जैसे वसूली जाती है, 1 साल तक के लिए इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। सीआरपीसी 125 में मैक्सिमम जो इंप्रिजनमेंट थी अप टू 1 मंथ थी, तो यहां इसे भी लेजिस्लेचर ने 1 ईयर कर दिया। तो डैनियल लतीफी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन इंटरप्रिटेशन किया और एक ऐसे एक्ट को जिसको फ्यूटाइल बनाने की बात हुई थी, जिससे कि मुस्लिम वोमेन के राइट्स कर्टेल करने का प्रयास किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंट बना दिया मुस्लिम वोमेन के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, और कहा कि पढ़िए, हम उस इंटरप्रिटेशन को तो वैलिड ही नहीं मानेंगे कि इसका मतलब यह है कि इद्दत के पीरियड के बाद पति की लायबिलिटी ही नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो लेजिस्लेचर रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन की बात क्यों लेके आता,
और जब लेजिस्लेचर रीजनेबल और फेयर प्रोविजन की बात लेके आ रहा है, इसका मतलब कि लेजिस्लेचर के दिमाग में मेनका गांधी का जस्ट फेयर और रीजनेबल है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी उनके दिमाग में है। इसके साथ ही शाहबानो केस का जो जजमेंट है वो भी उनके दिमाग में है। कॉन्सेप्चुअली लेजिस्लेचर शाहबानो को सपोर्ट कर रहे हैं जजमेंट को, और इसलिए वो कह रहे हैं कि इद्दत की पीरियड के अंदर ही पति की जिम्मेवारी बना देते हैं कि वो एक रिजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाए मेंटेनेंस करने के साथ साथ और इसका पेमेंट भी कर दे। कितनी खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफी के केस में इंटरप्रेट किया 1986 के एक्ट को। आपसे मेरा पर्सनल अनुरोध है कि एक बार जरूर डेनियल लतीफी के ओरिजिनल जजमेंट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हैट्स ऑफ किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्यों सैल्यूट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। और हमेशा हम नागरिकों को एक बात के लिए बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरीके की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उन्होंने एस्टैब्लिश की है, हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स तब तक बिल्कुल सिक्योर्ड हैं जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश में सर्वोच्चता के साथ काम कर रहे हैं। तो डेनियल लतीफी के केस में एक अद्भुत इंटरप्रिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और डेनियल लतीफी के केस में यह बात फाइनल की गई वही जो शाहबानो में है कि अगर पत्नी जो है, अगर पत्नी अपने को मेंटेन करने के लिए सक्षम है तो लायबिलिटी पति की केवल इद्दत तक होगी, लेकिन अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो पति की जिम्मेवारी बनेगी कि वो रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाए और इसका पेमेंट इद्दत के अंदर ही करे, इद्दत के अंदर ही वो पेमेंट भी वो कर दे। इसके बाद मुकदमा आता है इकबाल बानो का। इकबाल बानो की केस आती है 2007। इकबाल बानो की केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और आगे चले गए डेनियल लतीफी से। क्या हुआ था इकबाल बानो में? इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पत्नी ने सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पिटीशन दायर की थी मेंटेनेंस के लिए। क्लेम किया गया, चैलेंज किया गया कि यह 1986 एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन नहीं डाली गई है, इसलिए इसे कैंसिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगर पत्नी ने जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है सीआरपीसी 125 में चली गई है तो 125 का जो लॉ है ये लॉ एक तरीके से बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, इसका ऑब्जेक्ट है उस महिला की मदद करना जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, इसलिए इसे टेक्निकल ग्राउंड पर कि एप्लीकेशन 1986 के एक्ट के अंतर्गत नहीं लाई गई है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात आती है शबाना बानो की। शबाना बानो में क्या हुआ? शबाना बानो में फैक्ट लगभग एक जैसे हैं। शबाना बानो का विवाह जो है, निकाह जो है, वो इमरान खान के साथ होता है। शबाना बानो प्लस इमरान खान 2001 की शादी होती है, निकाह होता है। कुछ दिन बाद से ही यहां पर क्रुएल्टी शुरू हो जाती है हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के साइड से, और शबाना बानो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो पति इन्हें पिता के घर छोड़ जाता है और ये साफ कह के जाता है कि हम आपको लेके नहीं जाएंगे, तब तक लेके नहीं जाएंगे जब तक कि डावरी की रकम बढ़ाई नहीं जाती है, जो दहेज है वो हमें मनचाहा नहीं मिल जाता है। बच्चे का जन्म होता है फिर भी पति लेने के लिए नहीं आता। इसके साथ ही वो 26 अप्रैल 2004 को इन्हें इररिवोकेबल डिवोर्स दे देता है। अब पत्नी नीचे पिटीशन फाइल करती है सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। इस मेंटेनेंस ऑर्डर में 4 महीने तक तो पति को यह कहा गया कि वो 2000 रुपए के हिसाब से मेंटेन करें और उसके बाद उनकी लायबिलिटी के बारे में निचली वाली कोर्ट साइलेंट हो जाती है। इसके खिलाफ लड़की जाती है हाई कोर्ट में और फिर मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। यहां जो मुख्य विवादित बिंदु वो थे, वो पहली बात थी कि वेदर ए मुस्लिम डिवोर्स वाइफ वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन सीआरपीसी 125। तो यहां आंसर था कि यस,
जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, वो शाबानो केस देख लीजिए, डेनियल लतीफी केस देख लीजिए, इकबाल बानो का केस देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉजिटिव माना। लेकिन प्रश्न उठा कि किस फोरम में इसे चैलेंज किया जाएगा, कौन सी फोरम, किस एक्ट के अंतर्गत इसमें पिटीशन देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां इनलार्ज किया है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को। जरा ध्यान दीजिए, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो इफेक्टिव होती है 14 सितंबर 2004 से। फैमिली कोर्ट क्यों बनाया गया? फैमिली कोर्ट एक्ट पास किया गया और इसके अंतर्गत फैमिली कोर्ट बनाई गई कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स को, रिस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर के अगर कोई क्लेम, कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो फुल ज्यूरिडिक्शन, सारा ज्यूरिडिक्शन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का अप टू द सेशन कोर्ट का, सारा ज्यूरिडिक्शन फैमिली कोर्ट को दे दिया गया। इस बात को इसका सेक्शन 7 भी कहता है। सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फुल ज्यूरिडिक्शन टू द फैमिली कोर्ट इन मैटर ऑफ सूट प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और इशारा किया सेक्शन नंबर 20 को लेकर, फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 20 को। क्या कहता है सेक्शन 20? सेक्शन 20 देता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या मतलब? इसका मतलब कि किसी और लॉ में किसी बात के होते हुए भी कहीं कुछ और क्यों ना लिखा हो, फैमिली कोर्ट जो है वो सेक्शन 20 का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस के मैटर पर ऑर्डर इशू कर सकती हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया शबाना बानो के केस में। क्या कहा? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विथ कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट By virtue of any law other than this act, मतलब इस लॉ के पास होने के बाद किसी और लॉ में किसी बात के होते हुए भी फैमिली कोर्ट एक्ट का इस्तेमाल करके, सेक्शन 7 का इस्तेमाल करके पति पत्नी के झगड़ों के बीच में मेंटेनेंस के अमाउंट को, मेंटेनेंस के क्वेश्चन को एसर्टेन कर सकते हैं, वो फुल फ्लेज कंपिटेंट हैं। तो आप शाबानो से शबाना बानो तक देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुस्लिम वाइफ, डिवोर्स वाइफ के अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक ही बात निकल के आती है कि अगर वो महिला अपने को मेंटेन करने में सक्षम है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी है, तो पति की जिम्मेवारी केवल इद्दत तक की होगी। यहां कस्टमरी लॉ को हमने मान लिया, लेकिन अगर पत्नी अपने आप को, अगर वो डिवोर्स लेडी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो पति की जिम्मेवारी इद्दत के बाद भी बनी रहेगी। 1986 में इसके एम्बिट को और बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफी के केस में। और कौन सी फोरम में आप जाएंगे, तो फोरम के लिए शबाना बानो के केस को देखिए, फैमिली कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट इन सारे मामलों पर एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन एंटरटेन करेगी। इतनी बातें शबानो से शबाना बानो के जर्नी में मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ी आसानी। वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगले हफ्ते आपके सामने लेके आएंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते किसे हैं, इसका एम्बिट कितना होता है और इसमें कौन कौन से लीडिंग केस आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।